एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस दसवा टीवी टीवी वे दसवा टीवी चखर कान मम चखर कान मम चारा चिंगा फोरी दसवा टीवी hey, man. ते तू चोर है या मैं चोर हूँ तू चोरी क्यों की थी ये आपका हॉलर किसने बनाया हवलदार नहीं हूँ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर आप इंस्पेक्टर हैं ये वर्दी देख के पता नहीं चलता क्या अरे ड्रेस और फेस से क्या होते हैं यार वैसे शक्ल से मैं शरीफ लगता हूँ मगर हूँ तो चोर वैसे आप ड्रेस से इंस्पेक्टर लगते हैं मगर शट अप तू ए दस तू चोरी क्यों की थी साड़ी तरक्की वास्ते की थी मेरी तरक्की दिलाई अरे हम चोरी नहीं करेंगे तो आप क्या पकड़ेंगे क्या पकड़ेंगे क्या बोला मेरा मतलब है आप किसको पकड़ेंगे अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो आपका नाम कैसे होगा आपकी तरक्की कैसे होगी आप हवलदार से इंस्पेक्टर कैसे बनेंगे मैं इंस्पेक्टर हूँ ठीक है भाई बुरे वक्त में गधे को भी बाप मानना पड़ता है तुम पर पूरे 10 टीवी चोरी करने का इल्जाम है मैन 9 टीवी मिल गए हैं 10वां किधर है क्या बात है पुलिस वालों को इतनी अच्छी गिनती कैसे आने लगी क्या मतलब मेरा मतलब है जब कभी पुलिस चोरी का माल पकड़ती है तो आधा जेब में आधा रिकॉर्ड में होता है ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड में कैसे आ गया इतना मारूंगा कितना मारूंगा क्या फायदा आप थक जाओगे साहब सुधर जाओगे सुधर जाओगे अरे तुम्हारे मार से कोई सुधर जाए तो इस देश के कानून को मार की जरूरत है जब देखो तब छोटे चोरों को धम देते रहते हो और बड़े चोरों को सामने दुम लगा रहते हो आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं क्यों बार बार आपको शट अप बोलना पड़ता है अगर असिस्टेंट होता तो वो बोलता शट अप शट अप शट अप तुझे शर्म नहीं आती अपने हवलदार का मजाक उड़ाते मैं हवलदार नहीं इंस्पेक्टर हूँ अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो बता दो कि वो 10वां टीवी किधर है वो 10वां टीवी तुम्हारे घर में है शट अप शट अप मत बोलो शट अप उठा लो मैं हवलदार बोल रहा हूँ नहीं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ कौन मैं रमा बोल रही हूँ इसको पकड़ कर अंदर डाल दो ओके सर अभी आके पूछूंगा तू चोरी क्यों की थी उल्लू दे आप पठिया हवलदार मेरे कमरे में टेलीविजन और हो सके तो वीडियो का इंतजाम कर देना ओके चाचा योर ऑनर ये घरों से टीवी चोरी करता है गुनाह कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है बिल्कुल कबूल है भाई बाप मैं भगवान के सामने झूठ बोल सकता हूँ मगर आपके सामने नहीं मैं सच बोलकर जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन आप जैसे अच्छे सच्चे नेक और इंसाफ पसंद जज के सामने झूठ बोलूंगा तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी जज साहब नरक में भी नहीं मस्का मारना है अच्छे खानदान के लगते हो फिर चोरी क्यों करते हो जग का भला करने के लिए जज साहब ये टीवी घर में होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है जज साहब टीवी घर में होने से बच्चे पढ़ाई नहीं करते पत्नी अपने पति की सेवा करने के बजाय टीवी के प्रोग्राम देखने बैठ जाती है और लोग नौकरी पर न जाकर काम की छुट्टी करके क्रिकेट देखने बैठ जाते हैं जज साहब मैं टीवी चोरी करके समाज सेवा करना चाह रहा हूँ जज साहब सोशल वर्क करना चाह रहा हूँ जज साहब चोरी करना पाप सेवा करना पुण्य 2 साल की सजा की जगह 1 साल की सजा वाह क्या इंसाफ है माय बाप अरे 1 साल तो क्या माय बाप आपके हाथों जिंदगी भर सजा भुगतने को तैयार हूँ 6 महीना कर दिया आप जैसे जज की इस देश को बहुत जरूरत है माय बाप 4 महीना कर दिया आपके चरण कहाँ है जज साहब 1 महीना कर दिया हो जय हो जय हो इससे कम सजा नहीं होगी दूसरा केस पेश करो धन्यवाद धन्यवाद जज साहब की जय हो जज साहब हवलदार इतना मारूंगा बाद में ले ना पकड़ो चलो फॉलो मी शट अप मैं क्या सरकार आओ बख्शी आओ कितने कैदी लाए हो अरे बख्शी कहाँ बख्शता है किसी को लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है उस्ताद धंधा तो मंदा चलेगा ही
क्योंकि तुम्हारी दहशत से लोग जुर्म करना जो भूल गए। क्या बात कर रहे हैं हिटलर साहब, क्या बात कर रहे हैं। वो क्या है कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी की स्टाइल ही कुछ ऐसा है। क्या बात कर रहे हैं। तुम्हारी बीवी के चर्चे हेड ऑफिस तक मशहूर है। बीवी के चर्चे? रिश्वत के चर्चे। रिश्वत के चर्चे? अगर रिश्वत लेने से चर्चे शुरू होते हैं तो हम रिश्वत लेना शुरू करते हैं। बोलो कितने कैदी लेकर आए हो? 5। फिर आ गए तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है साहब, बहुत शर्म आती है, लेकिन अपने आप पे कम, आप पे ज्यादा आती है साहब। अरे मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा देखता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको कितने साल की सजा हुई है साहब? तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरना तो चाहता हूँ साहब, लेकिन ये पुलिस वाले कहाँ सुधरने देते हैं। जब भी यहाँ से निकलता हूँ अपने आप से तौबा करता हूँ, अब की बार 15-20 लाख की चोरी करूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, शराबत की जिंदगी गुजारूंगा और चोरी से हमेशा के लिए तौबा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये पुलिस वाले पकड़ के लाके अंदर कर देते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है साहब? बोलिए आप। हवलदार कैदी को कपड़े दे दो। थैंक यू साहब। ये क्या दे रहे मैन, अपने जगह पुराना कस्टमर है, अपने को हमेशा का परमानेंट ड्रेस चाहिए। 999। अरे जाने दे, वो कमरे का क्या हाल है, पानी वानी पोछा वोचा मारा है कि नहीं? अरे मच्छर बहुत हैरान करता है मैन। अच्छा जाने दे भाई, आज का मेनू क्या है, खाने में स्पेशल डिश है कि नहीं? तुम कहो तो 5-स्टार होटल से स्पेशल डिश मंगवा दूं। अरे क्या बात कर रहे साहब, वहाँ तो बड़े बड़े देश का घपला करने वाले बैठे ले, वो खाना उनको हजम होता है, अपने को जरा थोड़ा स्पेशल चाहिए। क्या अगर दाल चावल में जरा पत्थर मिट्टी जरा कम हो ना तो जरा मजा आता। ए, कपड़ा भी लेके जा चल। अभी लेके जाता हूँ, आइंदा नहीं चलेगा, कड़क चाहिए, ध्यान रखना समझे। अपने बच्चों के दोस्त। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तूने हाथ से गवा दी। हाँ हाँ, जेल जाने का अपॉर्चुनिटी है ना। कितना डरता है यार तू। अरे मैं डरता नहीं हूँ यार, एक बात सुन ले तू, जुर्म की दुनिया की जमीन में बहुत चमक होती है, अपनी तरफ खींचती है वो, और जिस चीज में चमक होती है ना उसमें फिसलन भी होती है। एक बार फिसला ना तो बार बार फिसलता जाएगा, गिर जाएगा, इतना गिरेगा कि सारी दुनिया की नजरों में गिर जाएगा तू। तेरा डर हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। एक चीज बोलूं? बोल। एक जमाना था 200 साल पहले जब इंसान इंसान को सलाम करता था, अब पैसा पैसा को सलाम करता है, समझा क्या? आप कुत्ता कुत्ते को भी सलाम करता है ना? क्या बकवास कर रहा है तू? बराबर बोला मैन, 100% करेक्ट। रुपया कमाना भी एक आर्ट है। आपकी तारीफ? अरे तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया है, जरा आपको एड़ा बनाया, हमको टेढ़ा बनाया है। 10 मिनट में 10,000 रुपए कमाने के। क्या क्या क्या? 10 मिनट में 10,000? 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। देखिए, अगर 10,000 रुपए ईमानदारी से कमा कर दे सकते हैं आप तो ठीक है, बेईमानी के 10,000 रुपए हमें नहीं चाहिए, हमें माफ कर। मैन तुम जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, जितना डरेगा उतना फंसेगा। सुनो इनकी बात सुनो। ए भाई अपने पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कीमत है, बोलो क्या बोलता है। इसकी बात छोड़िए, सुनिए भाई साहब, वो 10,000 कैसे? हाँ वो सामने लड़की दिख रही है। लड़की देख रहे हो? हाँ देखा। मैं इस लड़की को किडनैप करूंगा और इसके बाद से 2 लाख रुपए डिमांड करूंगा। तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा चक्कर है, आपने कहा था कि 10 मिनट में 10,000 कमाऊंगा मैं। हाँ। 10 मिनट में बताता रहूंगा, तो मिनट गिनो मैन। ठीक है, मैं 2 मिनट में उस लड़की को किडनैप करूंगा, 2 मिनट में उसके बाप को फोन करूंगा, 2 मिनट में उसका बाप पैसे बटोरेगा, 2 मिनट में मेरे पास आएगा, 1 मिनट में वो मुझे पैसे देगा, 1 मिनट में तुम्हें पैसा दूंगा। कितने मिनट से? अरे यार बिल्कुल सही, 10 मिनट हो गए। ना एक इधर ना एक उधर। अच्छी चीज बताओ, लड़की को किडनैप कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाए? कैसे कैसे किया जाए? ये तो वो आर्ट है, यही है वो आर्ट जिसे लड़की। क्या देख रहा है? फंस गई ना लड़की। हमेशा मेरा आइडिया मेरे अंदर ही घुसता रहता है। अभी बताता हूँ। अरे भागते किधर चले? अरे रुको, अरे रुको, जा जा।
नीचे उतारो मुझे। थैंक यू की जरूरत नहीं है मैडम। माय फुट, तुमने तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। प्लान? क्या बोल रही है बॉस? ये लोग मेरे ही आदमी थे और इन्हें किडनैप करने के लिए भी मैंने ही बुलाया था, ताकि मैं अपने कंजूस बाप से 50,000 रुपए निकलवा सकूं। लेकिन तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। मेरे 50,000 रुपए और मेरी गाड़ी। अरे वाह मैडम, क्या कमाल का ट्विस्ट है। हम दोनों को तो पता ही नहीं चला, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा। एक काम करते, उनकी जगह हम दोनों आपको किडनैप कर लेते, 10,000 हम दोनों बांट लेंगे, 40,000 आप रख लीजिए। क्या बोलता है गुरु? वाह, दैट्स अ गुड आइडिया। तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू। ए, क्या देख रहे हो? मैं आपको किधर देखता मैन? मैं मैन नहीं, वुमन हूँ। मैन का बोला, हम तो वुमन बोला। वैसे वुमन, आप किसको ढूंढ रहे हैं? हाँ, कल कुछ गुंडों ने मुझे किडनैप किया था और उसी वक्त किसी ने मुझे बचाया था, बस उसे ही ढूंढ रही हूँ। लगता है मेरा आइडिया फोकट में बिक गया। क्या मतलब? नहीं, ओह, उन गुंडों में से आपको जिसे बचाया ना, वो तो अपना खास बंदा है ना। क्या खास बंदा है अपना? तुम उसे जानते हो? अरे पूरे खानदान को जानता हूँ मैं। तो तुम मुझे उसे मिलवाओगे? जरूर मिलेंगे, क्यों ना मिलाएंगे, जरूर मिलाएंगे। लेकिन उनको मिलाने से मेरा फायदा क्या होगा? तुम बोलो ना। देखो अपना सिस्टम है, 30 दिन में ढूंढेगा 30,000 रुपए, 15 दिन में ढूंढेगा 15,000 रुपए और 24 घंटे में ढूंढेगा तो 10,000 रुपए। तुम शायद उल्टा बोल रहे हो, जल्दी ढूंढने के तो ज्यादा पैसे होने चाहिए। नहीं, लड़कियों के लिए यही हिसाब है। एनीवे, जो बोल दिया सौदा मंजूर है। मंजूर, ये मेरा कार्ड है और लड़के को ढूंढते ही 24 घंटे के अंदर ले आना, तुम्हारे 10,000 तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है? ओके ओके। बाबा 10,000 का सवाल है बाबा। इस बंदे को कहाँ ढूंढूं? कल इधर ही मिला था बाबा, अब कहाँ होगा, किधर होगा बाबा? इस बंदे से मिला दे बाबा। अरे ओमेन साहब, हेलो, कैसे हैं आप? बाबा 10,000। देखा मेरी किस्मत। अरे भाई, आपको कोई ढूंढने आया था? अच्छा, कौन आया था? मैं क्यों बताऊं, कोई लड़की आपको ढूंढने आई थी। और मैं ये क्यों बताऊं कि उसको आपके ले आऊंगा तो 10,000 रुपए मिलेंगे। और मैं ये क्यों बताऊं कि उसका एड्रेस ये है। ओमेन साहब, आप महान हो सर, यू आर ग्रेट। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, पर अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारे 10,000 रुपए गए। कैसे? अब मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैंने उस एड्रेस को पढ़ लिया। और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं उस एड्रेस पर जाकर उसके घर पर मिलने वाला हूँ। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बाय। बाबा, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। 10,000 रुपए हाथ आए, पैसे निकल गए बाबा।